नमस्कार, मैं ललित सोनी जोशी, पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, जिसका टाइटल है नीडेड इंटरवेंशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो देखेंगे कि हमारा जो फोकस है अब हैबिटेट पे होना चाहिए। देखिए, आज तक हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज को लेकर के प्रोग्राम्स रहे हैं, हम उनके नंबर को इम्प्रूव करने में लगे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि नंबर के साथ साथ जो है हम उनके हैबिटेट पे भी काम करें। देखिए, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये वो एरिया होता है जहां पे ये पॉपुलेशन रहती है, जहां पे ये एनिमल की कम्युनिटी जो है वो रहती है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, ठीक है, तो ये उनका हैबिटेट हो गया, वहां की एनवायरमेंट को लेकर के वो जो है अपने आप को ढाल चुके हैं, ठीक है। पहले जब हम नंबर पे फोकस करते थे तो हम इसको भूल जाते थे। तो मान लीजिए कि अगर नंबर एकदम एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया तो फिर वो हैबिटेट उनको सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो फिर वो उस एरिया से बाहर निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हैबिटेट जो है लगभग 100 टाइगर्स को जो है सस्टेन कर सकता है, यहाँ पे 100 टाइगर्स आराम से रह सकते हैं, इतने रिसोर्स हैं, उनके लिए शिकार है, तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये 100 से जो है 200 हो गए, तो इनके लिए यहाँ शिकार कम हो जाएगा। जब इनके लिए खाने की चीजें कम पड़ेगी तो फिर इस हैबिटेट से बाहर आएंगे और फिर यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, हो सकता है कि इनको मार दिया जाए या फिर ये जो है मैन को मार दे। तो इन सब चीजों को जो है कंट्रोल में रखने के लिए हमें अब जरूरत है कि हम अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करें और अब नंबर के साथ साथ हैबिटेट पे भी फोकस करें। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे नंबर के साथ साथ हैबिटेट की भी, ठीक है। फिर देखेंगे कि मध्य प्रदेश को लेकर के हम एक केस स्टडी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम टाइगर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश इज डूइंग रियली गुड, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। क्यों? जब हम टाइगर्स की बात करते तो लगभग 785 टाइगर्स जो है अभी मध्य प्रदेश में मौजूद है, ठीक है, जो कि लगभग 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री की, ठीक है। इनके नंबर में लगभग 50% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसी कौन सी अप्रोचेस जो है मध्य प्रदेश यूज कर रहा है, हम उन अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर प्रिंसिपल इकोलॉजी, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्या कैसे प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए इनमें से एक प्रिंसिपल है कि हमको ये इकोलॉजी के अनुसार ही चेंजेस करने हैं। अगर आप किसी को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, किसी जैसे चीता को अफ्रीका से जो है कूनो लाया गया, तो इस ट्रांसलोकेशन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो चीता ऐसी जगह पे नहीं आ रहा जो उसके लिए एकदम ही अनजान है, उसका हैबिटेट जो है वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमको उसकी इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंडियन फिलॉसफी ऑफ कंजर्वेशन। देखिए, भारत की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो है वो ऐसी रही है कि हमने प्रकृति को हमेशा पूजा है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको इनके साथ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट के साथ साथ जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई है कि ये इंटरवेंशन ना चाहते हुए भी हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसे कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये सब बात करते करते हम लोग इस आर्टिकल को कंक्लूड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट अभी जारी की, जिसको हम बोलते हैं टाइगर सेंसस। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, अराउंड 785, जो कि भारत में टोटल टाइगर्स का 1/5 है, मतलब 20% है, ठीक है। ये रिपोर्ट हर 4 साल में जारी की जाती है। लास्ट रिपोर्ट 2018 में आई थी, अभी की जो रिपोर्ट आई है वो 2022 के सेंसस के बारे में बात करती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश में जो ये डायनेमिक्स है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी अप्रोच है जो मध्य प्रदेश यूज कर रहा है, चलिए देखते हैं एक बार। मध्य प्रदेश हैज परफेक्टेड द अप्रोच ऑफ एक्टिवली मूविंग बोथ टाइगर एंड देयर प्रेज। प्रे का मतलब होता है आपका शिकार, जिनको खा करके वो जिंदा रहते हैं। तो मध्य प्रदेश ने जो है ये अप्रोच रखी कि टाइगर के साथ साथ हम उनके प्रे के नंबर का पे ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर प्रे कम होगा तो ये टाइगर वहां जो है वो भूखे मर जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी नंबर डिक्रीज होगा। फिर अगर मान लीजिए कि ये प्रे बहुत ज्यादा होगा तो इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज्यादा इतनी वृद्धि हो जाएगी वो हैबिटेट उनको सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उनको अल्टीमेटली फिर बाहर आना होगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेट ने ये बैलेंस बनाने के लिए, इस पॉपुलेशन का बैलेंस बनाने के लिए, प्रेडेटर और प्रे की पॉपुलेशन का बैलेंस बनाने के लिए ये अप्रोच की,
कि हम प्रे और प्रेडेटर दोनों की नंबर पे इक्वली ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या अप्रोचेज इन्होंने यूज की है। री इंट्रोड्यूस स्पीसीज टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीसीज को नए नए हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करना जिससे वहां पे प्रे बेस जो है इंक्रीज हो। जैसे बारहसिंगा, जिसको स्वैंप डियर बोला जाता है, इनको मध्य प्रदेश ने जो है सतपुड़ा और बांधवगढ़ प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं गौर की, तो इसे बांधवगढ़ और संजय धुबरी नेशनल पार्क में भी इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और अप्रोच ये यूज करते हैं, वो है ट्रांसलोकेशन की। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब किसी एरिया में जहां पे एक्सेस में पॉपुलेशन है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, तो उसको वहां से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ले जाने की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब हम चीतल की बात करते हैं, जिसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं, तो इस चीतल को पेंच प्रोटेक्टेड एरिया से जो है लेकर के इधर आया गया, क्योंकि वहां पे ये हाई डेंसिटी में थे, पेंच और बांधवगढ़ में। फिर उनको वहां से निकाल करके जो है इन्होंने सतपुड़ा, संजय, कूनो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें जो है ला करके रिलोकेट किया, क्योंकि इनमें इनकी पॉपुलेशन कम थी, तो इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग, डार्टिंग एंड कैप्चरिंग। ट्रैक करने का मतलब आप देखेंगे कि उनका नंबर कितना है, ज्यादा है कि नहीं है, कम है, अगर ज्यादा है तो उनको रिलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद डार्टिंग। डार्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एनिमल को जो है सेडेटिव दे करके काइंड ऑफ अनकॉन्शियस करते हैं, और फिर उसको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद हम उसको एक कैप्टिव एनवायरमेंट में रखते हैं, जहां पे उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने देते हैं। जब वो पॉपुलेशन, उनकी जब संख्या इतनी बढ़ जाती है कि भाई हम उनको अपने नए हैबिटेट में छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हम उनको पहले उस नंबर तक पहुंचा करके, सफिशियंट नंबर तक ला करके, फिर उनको नए हैबिटेट में छोड़ देते हैं। तो ये एक अप्रोच है नंबर को बढ़ाने की। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। जब हमने बात की ट्रांसलोकेट करने की या रीलोकेट करने की, तो ये रीलोकेट आप तभी कर सकते हैं जब उस स्पीसी, उस जैसे मान लीजिए टाइगर की रीलोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइगर या फिर जो अभी जैसे चीता की बात करते थे, जिसे हम लोग अफ्रीका से जो है कूनो में लेके आए, तो ये रीलोकेशन आप तभी करेंगे जब वो स्पीसीज जो है उस लैंडस्केप से फेवरेबल हो, मतलब उसको जानती हो। ठीक है, उनका हैबिटेट एकदम अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक स्नो लेपर्ड है, ठीक है, वो बर्फीले इलाकों में रहता है, और हम उसको वहां से ला करके मान लीजिए किसी प्लेन में ला करके रख लेते हैं, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में ला के रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पक्का उनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप उसको ऐसे लैंडस्केप पर रखें जो उनके लिए एलियन बिल्कुल ना हो। ठीक है, आप उनको उनके फैमिलियर लैंडस्केप में, फैमिलियर हैबिटेट में रखेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ थोड़ी सी बात कर देते हैं कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कैसे, अभी एक नया चेंज आया इसके अंदर, वो कैसे इसको इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, इस एक्ट के अंदर एक चेंज लाया गया है कि जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट नहीं है उनको जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए फॉरेस्ट अवेलेबल करवा रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, ये फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, फिर यहां पे एक दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है, ये फॉरेस्ट था, ये भी फॉरेस्ट है, तो बीच में छोटे छोटे फॉरेस्ट के पैच तो रहे होंगे। अब ये पैच क्या करते हैं, ये कनेक्टिविटी का काम करते हैं। अगर यहाँ के इस एनिमल को यहाँ जाना है तो ये एक कॉरिडोर का काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये भी रिकॉर्डेड होगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, लेकिन ये पैचेज जो है हो सकता है रिकॉर्डेड ना हो, और ये एक्ट कहता है अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है ये पैचेज जो है वो खत्म हो जाए, इंडस्ट्री आ जाए यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये कॉरिडोर खत्म हो जाएंगे। कॉरिडोर खत्म हो जाएंगे तो फिर इनकी हैबिटेट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में इंट्रैक्शन था और हम उसमें अब इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एक्ट बेसिकली इसको अभी इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा कि ये फ्रेगमेंटेशन होगा फॉरेस्ट का। जैसे मान लिया मैंने बताया आपको कि ये दो एरियाज के बीच में जो छोटे छोटे फॉरेस्ट है वो अल्टीमेटली तो फॉरेस्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें से ये मान लीजिए एक फॉरेस्ट हटा देंगे तो ये दो अलग अलग फॉरेस्ट हो चुके हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है इनका। ठीक है, और अब जो है इसकी वजह से फिर क्या होगा, आपके पास एक ही तरीका होगा अगर आपको नंबर को इंप्रूव करना है या फिर उसको बैलेंस करना है, तो क्या करोगे आप, ये प्रैक्टिस ऑफ मूविंग द प्रे, मतलब आप रीलोकेशन ज्यादा से ज्यादा करोगे। ठीक है, मतलब आप इंटरफेयर करोगे उसके अंदर, और जो कि बेसिकली हमारी इंडियन फिलोसफी जो है उसके अगेंस्ट है।
इंडियन फिलोसफी क्या कहती है कि आप कम से कम इंटरफेयर करो उसके अंदर, ठीक है। इंडियन फिलोसफी में हम लोग अवॉइड क्रिएटिंग फेंसेस, मतलब ये प्रोटेक्टेड एरिया जब हम बनाते हैं तो एक फेंस बनाते हैं ना हम, कि यही एक एरिया है जिसके अंदर वो लोग रहेंगे, इसके बाहर वाले एरिया में जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो आप एक फेंस बना देते हैं कि आप इसी के अंदर जो है एनिमल्स रहेंगे, तो ये हमारी फिलोसफी के अगेंस्ट है, हम इस तरीके की फेंसेज नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर सेग्रीगेटेड स्पेसेस, सेग्रीगेटेड स्पेसेस मतलब कि थोड़े से दूरी पे कुछ फॉरेस्ट दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपके शहर से दूरी पे रखा गया उसको, चाहे वो शहर का कुछ एरिया पहले किसी टाइप पे फॉरेस्ट हुआ करता था। जैसे कि हम एक बात करते हैं तो जब हम अरावली की बात करते हैं तो काफी सारे सिटीज जो है अरावली पे आते हैं तो आप देखेंगे वहां पे बंदर बहुत ज्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे पहले उनका हैबिटेट हुआ करता था। अब आपने घर बना लिए तो अब वो आपके छत छत पे आके कूद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उनके अंदर इंटरफेयर किया है। तो हम ऐसे सेग्रीगेटेड प्लेसेस नहीं बना सकते कि अर्बन एरिया से बाहर जो है फॉरेस्ट रहेगा, अर्बन पॉपुलेशन के उसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारी फिलोसफी के अगेंस्ट था। कन्फाइंड स्पीसीज टू लार्ज बट बाउंडेड ट्रैक्ट्स, लार्ज ट्रैक मतलब आपने उनको बहुत बड़ा एरिया तो दे दिया है लेकिन फिर भी उस एरिया को बांध दिया है चारों तरफ से कि इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी फिलोसफी में कि हम इनको इंटरफेयर नहीं करेंगे और इनको बांध के नहीं रखेंगे। लेकिन आज की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है। नंबर अगर कम हो रहा है तो हम उनके लिए स्पेशल एरियाज बनाते हैं जहां पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि हमको इनको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। जब हम ये रिलोकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो हम जो ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस बेसिकली एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे, ठीक है। इंडिया कंजर्वेशन इथोस वॉज रिस्टोर टू रिस्टोर द नंबर इन अ वे दैट वी कैन को एग्जिस्ट विथ द स्पीसीज, मतलब जो ये ह्यूमन है आपका, वो जो आपके जैसे मान लीजिए टाइगर की बात कर लेते हैं, तो हमारे इथोस कुछ इस तरीके से हैं कि जब हम ये इनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये और ये दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करें, मतलब कि ना टाइगर ह्यूमन के साथ इंटरफेरेंस करे और ना ह्यूमन जो है टाइगर के हैबिटेट के साथ इंटरफेरेंस करे, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हम इस हैबिटेट को, जिस एरिया में ये टाइगर रह रहे हैं, उसको सस्टेनेबल रखें कि इनकी पॉपुलेशन को बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा आपको अपने फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखना होगा। अब आप अपने फॉरेस्ट को तो हटाते जा रहे हैं, उनको फ्रेगमेंट कर रहे हैं, उनको टुकड़ों में बांट रहे हैं, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो नेचर है वो अपना काम करेगा, नेचर इनको अपने एरिया के अंदर रखेगा। वो एक फैंटेसी है, ठीक है, वो एक कल्पना ही है आपकी, ठीक है। विद लूजिंग फॉरेस्ट कॉरिडोर्स एक्सपेक्टिंग नेचर अलोन टू रिस्टोर द प्रेडिटर प्रेडिटर प्रे इज फैंटेसी, मतलब हम सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट अगर हम कम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नेचर जो है इसका ध्यान रखेगा वो एक कल्पना है, तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा। फिर कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि आपको बेसिकली नंबर वाली अप्रोच से बाहर आकर के आपको उसके हैबिटेट पे फोकस करना होगा, आपको उसके हैबिटेट को इतना सस्टेनेबल बनाना होगा कि वो लोग अपने शिकार के लिए बाहर आने की उनको जरूरत ना पड़े, मतलब अपने फॉरेस्ट को जो है बढ़ा के रखना होगा, इंटैक्ट रखना होगा, ठीक है। फिर आप एक्टिवली प्रे मैनेजमेंट पॉलिसीज दे आइए, जो ये प्रे है जैसा कि जो शिकार होगा उनका, उनके मैनेजमेंट की पॉलिसीज दे आइए, जैसे रिलोकेशन वगैरह आप कीजिए लेकिन एक बैलेंस मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग साइंटिफिक एक्सपर्टीज, जब भी इस तरीके का कोई प्लान बनाए तो आप उसको साइंटिफिक प्लान बनाइए, ऐसे नहीं हवा में बात करके बना लिया, पूरी तरह से रिसर्च करके फिर उसको बनाया जाए, ठीक है। ड्रॉइंग सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द रिजर्व, जो लोग आसपास रह रहे हैं उनका सपोर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जैसे मान लीजिए रिजर्व है, अगर ये एक एनिमल यहाँ से बाहर आया तो सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इन लोगों के जो आसपास रह रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो आपको उनको इस तरीके की ट्रेनिंग देनी कि आपका फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब टाइगर आ गया तो उसको मार दो, ठीक है। अगर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरीके की पॉलिसीज को, इस तरीके की अवेयरनेस को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो इनका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, मूव अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ फोकसिंग ऑन नंबर टू इवेल्युएट वेदर द हैबिटेट नेसेसरी टू सस्टेन द एनिमल इज बीइंग इंप्रूव्ड, कि मतलब आप नंबर से आगे बढ़ करके आप देखें कि वो हैबिटेट है उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल का क्रक्स बेसिकली यही था कि जब हम प्रे और प्रेडेटर मैनेजमेंट की बात करते हैं या किसी के नंबर उनको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो
तो हमको उसके नंबर के साथ साथ उनके रहने के एरिया, उनके हैबिटेट पे भी ध्यान देना होगा, हमें उन हैबिटेट को भी इंप्रूव करना चाहिए होलिस्टिकली। ठीक है, चलिए आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।